वक्त बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि मनोज तिवारी बीजेपी सांसद हैं दिल्ली से, उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। बिहार में मनोज तिवारी की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। बिहार के डीजीपी मुख्य सचिव ने मनोज तिवारी से बातचीत करके उनकी सुरक्षा बढ़ाने की जानकारी उन्हें दी है। मनोज तिवारी की रैलियों में भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आज से मनोज तिवारी की रैलियों में उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। मनोज तिवारी की आज बिहार में 4 रैलियां होनी है। मनोज तिवारी की सुरक्षा में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज बिहार में मनोज तिवारी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे और उससे पहले मनोज तिवारी की रैलियों में जुटती भीड़ को देखते हुए बिहार में डीजीपी और गृह सचिव ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं और इसकी जानकारी खुद मनोज तिवारी को बिहार के डीजीपी ने दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बीजेपी के मनोज तिवारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मनोज तिवारी आज बिहार में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले उनकी सुरक्षा को बिहार के डीजीपी ने बढ़ा दिया है। हमारे साथ खुद संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, आज से सुरक्षा बढ़ाई गई है, मनोज तिवारी को एक जानकारी भी दे दी गई है, कितनी भीड़ जुट रही है, क्या इस कदर भीड़ हो गई है कि सुरक्षा तक बढ़ानी पड़ रही है? जी बिल्कुल, उनकी जो सभाएं हैं लगातार ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट हैं यहाँ बिहार पुलिस के पास कि उनकी जो सभाओं में भीड़ आ रही है उससे उनकी जान माल को खतरा, कहीं कोई अनहोनी भी हो सकती है, ऐसी भी सूचना आ रही है। तो ऐसे में कल देर रात चीफ सेक्रेटरी ने खुद मनोज तिवारी को फोन करके उनसे बात की, डीजीपी ने फोन करके उनसे बात की और उनको इंटेलिजेंस इनपुट्स है उसके बारे में भी जानकारी दी। तो ये माना जा रहा है, मनोज तिवारी से कहा भी है कि आज से आपकी सुरक्षा जो दस्ता है उसको और बढ़ा दिया जाएगा और आज से आपको एक स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि कुछ कमांडोज, जो लोकल पुलिस के कमांडोज और कुछ एक्स्ट्रा घेरा भी उनको बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल नीरज पांडे, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।